हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं उठी हूँ अभी सोकर, 12:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी सोकर उठे हैं। तो मैंने नाश्ता तो नहीं किया, मम्मा ने आज सुबह बिरयानी बना ली थी तो मैंने कहा मैं बिरयानी ही खाऊँगी, नाश्ता करने को दिल नहीं करा। आजकल गर्मी हो गई है तो पराठा खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, तो मैं तो बिरयानी इंजॉय कर रही हूँ। बिरयानी घर इसमें नज़र तो नहीं आई होगी, मैंने खा ली है। तो बस आप लोगों ने हमारा आज का व्लॉग एंड तक देखना है, बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोगों ने हमारे साथ इंजॉय करना है। तो अब थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिलते हैं। जो बहना ने ले लिया और अब यहाँ से हम कुछ लेने आए हैं और मैं रिलीशा वेट कर रही हूँ। तो गाइस मैं अभी नहा कर आई हूँ, बाहर बहुत गर्मी थी, हम लोग बाहर से होकर बुरा हाल हो गया। मैं अभी नहाई हूँ तो अभी तो ज्वेलरी वगैरह चूड़ियाँ वगैरह हम निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या पसंद आता है, सबसे मुश्किल काम है ये। तो उसके बाद कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, बहुत सारे काम रह गए हैं करने वाले। आप लोगों को साथ साथ मैं दिखाती रहूँगी मैं क्या क्या कर रही हूँ। गाइस ये देखिए मामा कर रही कपड़े प्रेस और मामा ने लगाया हुआ है डाई और ब्लीच। मामा को टाइम नहीं मिला इसलिए मामा लास्ट मोमेंट पे लगाया हुआ ये सब। और अभी मेरे साथ क्या मामा और मेरे साथ हाँ बैड सीन हो गया, तो बहना कपड़े प्रेस करने लगी थी और ये है मेरा येलो वाला ड्रेस जो बहना ने प्रेस करते हुए उसका दुपट्टा जला दिया और काफ़ी ज़्यादा जला, पूरा फट गया, ऐसे सुराख हो गया अंदर। हाँ मामा ने जुगाड़ तो कर दी है अब तो। और जूतियाँ भी मैंने निकाल ली हैं, आप ही रेस्ट कर रही हैं। ये है बहना के कपड़े और मैंने जूड़ी वगैरह भी निकाल दी हैं। तो आप ही और रॉबिन भाई जो है वो जाएंगे बारात पे, फैलिक्स भी आज नहीं जा रहा, वो कह रहा था कि मैं आप ही के पास ही रहूँगा, आप ही और रॉबिन भाई के पास। हाँ और उसके पेपर्स भी हो रहे हैं आप लोगों को पता है। तो आप ही रॉबिन भाई और फैलिक्स बारात पे जाएंगे, बारात पे हम सब जाएंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ बने रहना है, व्लॉग फुल वॉच करना है। तो फाइनली मैं अभी फ्री होकर बैठी हूँ, अब बहना का मेकअप हो रहा है, हमने जिससे मेकअप करवाना था हमारी मेकअप आर्टिस्ट तो आ चुकी है और बहना का मेकअप हो रहा है, मैंने अपने लेंस लगा ली है, अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी बारी का। हाँ हाँ मैंने भी नहीं लगाई, तो आप फ्री तो हो जाओ, आपके काम ही नहीं ख़त्म होते तो आप खुद करो ना। अभी आपने बेटे को चाय नहीं बना के दे, वो पेपर देख कर आया उसको चाय, तो मामा पेपर देख कर आया ऐसे अभी मेकअप कराने हैं, कैसा फील हो रहा है? और मेकअप अभी करवाना है, बाल बनवाने हैं, बस ये थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है कि आप ही नहीं आज जा रही, वो लोग बारात पे जाएंगे क्योंकि रॉबिन को छुट्टी नहीं मिली है, रॉबिन ने कल छुट्टी कर ली, उसको भूल गया कि आज माइयाँ हैं, उसने कल छुट्टी कर ली, आज उसको छुट्टी नहीं मिली, इसलिए आप ही भी नहीं जा रही। अभी कह रही है रॉबिन नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तो फिर अब ये है कि ये बारात पे जाएंगे सब, फैलिक्स का पेपर है, वो कह रहे हैं मैं थक गया हूँ मैं नहीं जा रहा, पापा जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, डॉली जा रहे हैं और बहनी जा रही है। तो मैंने और मामा ने भी रेडी होना है, मैं मेकअप करते हुए कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाऊँ और फिर हमारा फाइनल लुक था पूरा, जब हम रेडी हो जाएंगे तब देखेंगे कि हम कैसे लग रहे हैं, पता नहीं मैं कैसी लगूँगी, अच्छी लगूँगी। आपने पहले कभी मेकअप नहीं कराया है? मामा किसी के हाथ से कराते हुए डर लगता है, सलोन से भी तो करवाया था। बारात पे तो हमने सलोन से कराना है पर आज के लिए हमने मेकअप आर्टिस्ट बुलाई थी। अगर आप लोग को हमारा मेकअप अच्छा लगा हो तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि हमने किससे मेकअप कराया है और आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे। तो फाइनली मेरा मेकअप हो चुका था, यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल बन रहा था और मैं टिक्का लगा के थोड़ी शोए मार रही थी।
मेकअप मेरा, मैं मेकअप करती नहीं हूँ, मैंने बहुत लाइट सा मेकअप कराया था, आप लोगों ने बताना है कैसा लग रहा है और फाइनल लुक भी आप लोगों को। तो ये था मेरे मेकअप का फाइनल लुक, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा मेकअप कैसा हुआ है स्पेशली। फाइनली गाइज, मैं और मामा तो रेडी हो चुके हैं, आपने कमेंट्स में बताना है मैं और मामा कैसे लग रहे हैं और मामा भी कैसी लग रही है। फुल ड्रेस हम आप लोगों को वहाँ जाके दिखाएंगे, हम बहुत लेट हो रहे हैं, अब निकलते हैं और वहाँ जाके आप लोगों को मिलते हैं। तो फाइनली गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं, बस अब अंदर चलते हैं।